हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई जाओ, फिलहाल एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग करना पड़ रहा है, तो फिलहाल इसमें थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें वीडियो बन रहा है, इसमें वीडियो बन रहा है। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वाले को भी और मेरे ओमेगा रिएक्शन वाले को भी, जिसमें मैंने दो वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि मैंने सेकंड वीडियो अपलोड की, जो कि भाई उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए वो वीडियो बेस्ट लगा मेरे को, उसको भी जरूर देख लेना। तो फिलहाल एक बार चलता हूँ घर पे। ओ भाई यहाँ देखो, इतना सारा मच्छर और पानी भरा हुआ है, जिससे पूरा गंदगी हो रही है। ये पूरा रोड है, एक पक्का रोड है जिसपे पानी भरा हुआ है फुल। तो भाई कल तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो इसलिए कल तो ब्लॉग नहीं बनाया। पर कल भाई इतनी जोरदार बारिश हुई, मतलब परसों रात को एक बारिश स्टार्ट हुई और कल शाम तीन या चार बजे तक बारिश रुकी। भाई इतनी जोरदार बारिश, जो कि देखो पूरा पानी भरा हुआ है लास्ट तक, वहां तक मैं वहां से आया, पूरा पानी भरा हुआ है और खेत भी सारा भर चुके हैं। ये इस तरह मेरे खेत है, तो वो भी सारा भरा चुके हैं। अभी एक बार तो चलता हूँ घर पे। तो आज मेरे को कमेंट में तो बताना मेरे बाल ठीक लग रहे हैं नहीं, या फिर मैं कटाऊं। वैसे मेरे कटाने की मर्जी थे, क्योंकि बाल तो काफी बड़े हो चुके हैं, पूरे लगभग तीन चार इंच बड़े हो चुके बाल। एक बार कटाने हैं, एक बार जल्दी। तो भाई अब फिलहाल मैं तो गाय को घेर के आ चुका हूँ, और घर पे आते अभी देखा तो कल वाली बारिश हुई थी, उसका नजारा दिखाता हूँ एक बार। जो कि गाय देखो, ये एक रोड़ी है, तो यहाँ पर पानी भरा, इसके अगले वाला खेत है हमारे बाग का, वो भी खेत भरा है पूरा पानी से। ये वाला है, ये थोड़ा थोड़ा है, बाकी उस साइड पूरा भरा। और वो एक सामने वाला खेत है, वो थम्बा दिखाई दे रहा है उससे इस साइड वाला, जो कि वो पूरा ही भरा हुआ है। और लास्ट जो कि हमारे खेत है, एक दो खेत मैंने पहले वाली बहुत पुरानी वीडियो में बताया, तो वहाँ पर भी तो अभी यहाँ घुटनों तक पानी भरा भाई, क्योंकि जाना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए वहाँ पर अभी नहीं जाऊँगा वीडियो बनाने के लिए। जब पानी थोड़ा ख़त्म होगा तब जाऊँगा। तो फिलहाल अभी तो भूख लग रही है, एक बार मैं ऊपर चलता हूँ, आज देखता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, तो एक बार खाना खाता। आज मैंने चैनल पर, मैं रिएक्शन वाले चैनल पर वीडियो डाल दिए ओमेगा रिएक्शन पर, तो आज किस किस को वो वीडियो पसंद आए हमको कमेंट में ज़रूर बताना, भले इसमें ना बताओ पर उसमें जरूर बताना। तो जिसने भी, अगर किसी को पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, तो उसमें जल्दी से जाओ। और ओमेगल वाला रिएक्शन मेरा एक कपिल इज लाइव चैनल है, जो कि अभी नया नया बनाया है, अभी 2-3 महीने हुए, तो उसमें मैंने दो वीडियो डाल दी है, तो वो वीडियो को देखना, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई जाओ, फिलहाल सूर्योदय होने वाला है, तो अभी देखो मम्मी यहाँ से ही डायरेक्ट बकरियों के लिए पानी पाड़ रही है, जो कि ऊपर जो कि ये मेरी हेलड़ी है, इसको हेलड़ी बोलते हैं पूरा, ये एक बांस का होता है, लंबा बांस का टुकड़ा, इसमें आगे वो दातली लगी हुई है इसलिए। तो फिर मम्मी तो यहाँ पर पाड़ रही है पाना, जो कि बकरियों के लिए। तो भाई जाओ, फिलहाल शाम की 4 बजने को आई है, और अभी मैं जस्ट अभी मैं उठा हूँ, यानी अभी उठा गया, अभी काम कर रहा था इसलिए उठा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो एक बार थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, तो जल्दी से एक बार नहा लेता हूँ। तो यहाँ पर तो फिलहाल मम्मी दूध गर्म कर रही है, तो मम्मी हाँ ठीक है अब, अब हाँ ठीक है। तो गाइस कल एक स्पेशल डे है, बहुत ही स्पेशल डे है, लेकिन बताऊँ हाँ बता देता हूँ। वैसे आप सभी को पता होगा कि कल है हरियाली अमावस्या, जिससे मैं देख रहा हूँ हरियाली अमावस्या के दिन मैं नए चैनल का वीडियो नहीं बनाऊंगा, और क्योंकि हाँ वैसे नए चैनल का वीडियो नहीं बनाऊंगा और मैं ब्लॉग बनाऊंगा, जो कि हम नाथद्वारा जाने घूमने के लिए, तो वहाँ पर काफी बड़ा एक मेला भी लगा है, तो और एक दूसरी जगह भी जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है उस जगह पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं व्लॉग बना लूंगा, और जो नए चैनल का वीडियो वो परसों बना लूंगा, तो ये देख रहा हूँ। तो गाइस मैं दोनों वीडियो साथ में इसीलिए नहीं बना सकता कि मेन बात ही एक, मेरे सिर्फ मैं रिचार्ज कराता हूँ तो उसमें सिर्फ 1.5 GB आती है दिन, एक दिन की 1.5 GB, जिसमें मैं एक वीडियो की एडिटिंग व अपलोडिंग पूरी करता हूँ, तब उसमें लगभग 600 से 700 MB चली जाती है, और दो चैनल साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा MB चली जाती है, और मेरा काम भी रहता है वापिस, तो इसलिए एक बार में मैं एक ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, दो नहीं कर सकता। अगर घर में वाईफाई लगा हो तो 2-3 वीडियो पहले ही दिन के अपलोड कर सकते हैं, पर फिलहाल इससे काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैसे नहीं है, फिलहाल वाईफाई लगाएंगे पर अभी नहीं लगाएंगे, तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा एक एक वीडियो से। तो कोई बात नहीं, आज का आज मेरा व्लॉग बना रहा हूँ सिंपल व्लॉग, लेकिन कल वाला व्लॉग में भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हम हरियाली अमावस के लिए घूमने जा रहे हैं भाई, काफी अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर, तो कल मेले में काफी ज्यादा मजा आएगा।
तो भाई जो फिलहाल मैं तो नहा लिया है, तो अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। तो भाई बाल इतने बड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाल तो दिखाई दे रहे होंगे भाई, पूरे इतने बड़े हो चुके हैं पूरे बाल, जो कि अभी कटाने पड़ रहे हैं। अभी बालों में खुजली होती है थोड़ी थोड़ी, ऐसा लग रहा है अब तो बाल कटाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे मक्खियां ताड़ रही है, क्योंकि भाई इतनी सारी मक्खियां हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ इस साल इतनी सारी मक्खियां आई घर में। बस भाई देखो कैमरा में थोड़ी बहुत दिखाई तो दे रही होगी, कैमरा इतना तो क्लियर है मेरा। भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे ऊपर तो लाइट आ रही है पर नीचे लाइट नहीं आ रही, जो कि दीपक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब दीपक टीवी नहीं देख सकेगा। होमवर्क करना है यार। और होमवर्क पढ़े कब से करने लगा भाई? बहुत होमवर्क। अच्छा भाई मेरे को पता ही नहीं था दीपक पढ़ाई भी करता है। हाँ दीपक इसका होमवर्क करना है, और अभी नीचे लाइट तो आ रही नहीं, मेरे ऊपर आ रही पर नीचे नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम देखते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं आपको मेन चीज बताना चाहता हूँ, जो कि कल हरियाली मास है और कल हम जाने वाले हैं हल्दी घाटी, जो कि महाराणा प्रताप का स्थलीय भूमि थी, जन्म स्थल सभी कुछ वहां पर हुआ था, समाधि स्थल। और महाराणा प्रताप का अकबर के साथ युद्ध हुआ रक्त अलय, जो गई काफी खतरनाक जगह है, वहां पर एक एक नंबर की सभी जगह है, बेस्ट जगह है। तो गाइस हम कल जाएंगे, तो कल ऑल ओवर आपका सभी का पूरा वीडियो मिलेगा वहां का। तो कल तो अभी हमारा नक्कीत हो चुका है जाने का, अभी दोस्त मना कर दे तो नहीं जाएंगे, बाकी एक बार तो कह दिया जाएंगे, तो ठीक है चलेंगे। तो घड़ी नंबर 9 बज रही है, तो फिलहाल मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पर काम। और आज सब्जी बन रही है तरह की सब्जी और विथ टमाटर, तो इसकी सब्जी बनाएंगे आज। तो अब फिलहाल पूनम तो यहाँ पर बना रही है रोटी, क्योंकि भाई आवाज ठीक है। भाई ये देखो मेरे को इतना जोर से मारा अभी कमर में, हाँ कई हो। तो अब फिलहाल मैं तो वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट कर ली है, तो फिलहाल देखो पूनम पाव मम्मी सभी सो चुके हैं, तो इस लोग को मैं अपरेंट कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस क्या लोग आप सभी को पसंद आए होगा, पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई कल वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कल है रैली अमावस्या, तो कल हम कुंभलगढ़ जाएंगे, तो कल वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो कल मिलते हैं सीधे, तब तक के लिए बाय बाय।